वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप 4000 आवर्स वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम कुछ एक्सटेंशंस यूज करेंगे और एक हम प्रॉक्सी भी यहां पर यूज करेंगे। और उस प्रॉक्सी की सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स कि आप जितनी बार उसे यूज करते हो तो हर बार आपको नया आईपी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप मत करें, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे आप फास्ट करके देख लें। और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहां पर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोफाइल क्रिएटेड बाय मुस्तफा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट हम इसे रन कर लेंगे। रन करने के लिए फ्रेंड्स आपने इस पर डबल क्लिक कर देना, यहां पर आप यस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो जब आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी हम इसे बंद नहीं करेंगे। तो एक शॉर्टकट क्रोम का क्रिएट हो चुका है, इंस्टॉल एक्सटेंशन हियर, ये हमारे डेस्कटॉप पर क्रिएट हो चुका है। आपने इसे बंद नहीं करना है, आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारी वो एक्सटेंशन हियर है। तो इंस्टॉल एक्सटेंशन हियर, ये क्रोम का एक आइकन हमें मिल चुका है। अब आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहां पर हम जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, आप एंड में जाकर जितने भी 10, 20, 50, 100 प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो सब प्रोफाइल्स में ऑटोमेटिक वो सारी एक्सटेंशंस ऐड हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले एक्सटेंशंस दिखा देता हूं कि हमें कौन कौन सी चाहिए। ओके, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जो ये ऑलवेज एक्टिव विंडोज ऑलवेज विजिबल एक्सटेंशन है, इसके थ्रू हमारा ब्राउजर हर टाइम ये मैसेज शो करता है कि वो इस समय एक्टिव है और अवेलेबल है। सेकंड एक्सटेंशन हमारी वीडियोस की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। थर्ड, जो आपकी ब्राउजर फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट स्पूफिंग है, ये दो एक्सटेंशन के साथ आप अपने ब्राउजर को सिक्योर कर पाते हो और आपका जो ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं जा पाती यूट्यूब को, वो रैंडम जाती है। और जो नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड कैश क्लीनर, इसके थ्रू हमारा जो ब्राउजर है उसकी कैश हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री वो सारा डिलीट होता रहता है ऑटोमेटिक, कुकीज वगैरह। फिर हमारा है रैंडम यूजर एजेंट, यहाँ पर जितनी बार भी आप अपने इस क्रोम्स को ओपन करोगे, प्रोफाइल्स को ओपन करोगे, तो आपके यूट्यूब के पास या कोई भी और आप वेबसाइट यूज कर रहे हो वहां पर यूजर की इंफॉर्मेशन रैंडमली जाएगी, सेम ही एक नहीं जाएगी हर बार। फिर आपके पास है स्पूफ टाइम जोन, जो ये एक्सटेंशन है ये आपके आईपी के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम के टाइम जोन को ऑटोमेटिकली कंफिगर करेगी। फिर आपकी वेब आरटीसी लीक शील्ड, ये एक्सटेंशन आपके आईपी एड्रेस को लीक होने से प्रिवेंट करेगी। तो आप इन्हें चाहे लॉग नोट कर लीजिए, चाहे आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। अब कुछ मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन होगा कि ये एक्सटेंशंस कैसे ऐड होती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है हमारी प्रॉक्सी वाली, वो मैंने इसी वजह से पहले इंस्टॉल नहीं की थी। ये मैंने इसलिए कर ली थी कि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो जो मेथड जो स्टेप मैं उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए यूज करूंगा वही सेम आपने इनके लिए करना है। तो आपने यहां पर ओपन कर लेना है क्रोम वेब स्टोर। ओके, इसके अंदर हम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहां पर सर्च करेंगे बेस्ट प्रॉक्सी स्विचर। ओके, और आपने इंटर प्रेस कर देना। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये इसे सर्च करेगा और फिर हमें शो करेगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट लिंक यहाँ पर शो हो रहा है, आप बेस्ट प्रॉक्सी स्विचर इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हम एड टू क्रोम पर क्लिक कर देंगे, फिर आपने एड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना। तो यही सेम स्टेप आपने रिपीट करने हैं। जैसे मान लो अब हमने ऑलवेज एक्टिव ऑलवेज विजिबल एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, तो उसे आप सर्च कीजिए, जब आपको शो हो जाए तो आप एड टू क्रोम पर क्लिक कर दीजिए, एड एक्सटेंशन पर क्लिक कर दीजिए,
वो आपकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर वेट करते हैं। ये हमारी एक्सटेंशन की कुछ इंफॉर्मेशन है, इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हम क्लिक करेंगे इस आइकन पर और बेस्ट प्रॉक्सी स्विचर हमारा ऐड हो चुका है, इसे हम पिन कर लेंगे। ओके, तो आपने बाकी जो हमारी एक्सटेंशन हैं उन्हें भी यहाँ पर पिन कर देना है। जब ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होती है तो इस तरह से शो होती है, जब आप इन पर क्लिक कर दे तो ये ब्लू हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये पिन हो चुकी है, तो हमने इन्हें पिन कर लेना। अब एक बार मैं आपको थोड़ा इस प्रॉक्सी के बारे में दिखा भी देता। हमने यहाँ पर क्लिक करना है इसके आइकन पर और ये हमारी ओपन हो जाएगी। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर हमें 9 प्रीमियम प्रॉक्सीज मिलती हैं, जो कि बहुत बढ़िया प्रॉक्सीज हैं। इनकी स्पीड भी अच्छी रहती है और ये भी रैंडमली इनके आईपी एड्रेस भी चेंज होते हैं। फिर हमें सेकेंड कुछ ये शेयर्ड प्रॉक्सीज मिलते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एवरी 5 मिनट के बाद ये आईपीज अपडेट होते हैं, तो जितनी बार भी आप इसे यूज करोगे हर बार आपको ब्राउजर को नया आईपी एड्रेस मिलेगा, तो इस तरह से आपका जो वॉच टाइम है वो बहुत कम ड्रॉप होगा। अगर हम कहें कि 100% ड्रॉप नहीं होगा वो, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह से हम लोग ये नए नए तरीके फाइंड करते हैं उसी तरह से यूट्यूब पर भी बहुत सारे टेक्निकल बंदे हैं जिनका ड्यूटी ये है कि वो ऐसे जो लूप होल्स हैं उन्हें फाइंड करें। ठीक, फिर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मैं खुद अपने चैनल्स का इसके थ्रू ही वॉच टाइम पूरा करता हूँ। थर्ड है हमारे पास यूजर प्रॉक्सीज। यूजर प्रॉक्सीज के लिए आपने यहाँ इम्पोर्ट प्रॉक्सी लिस्ट में क्लिक करना है, तो अगर आपके पास प्रॉक्सीज हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी प्रॉक्सीज की फाइल है। फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितनी प्रॉक्सीज हैं इस समय ये मेरे पास। मेरे पास इस समय लगभग 400 प्रॉक्सीज हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा और आपको सिखा भी दूंगा कि हम लोग डेली नई नई प्रॉक्सीज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो हम इन्हें यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ और उसके बाद हम इन्हें कर लेते हैं कॉपी। मैंने कॉपी करना था बट गलती से सॉरी कट पर क्लिक हो गया। ठीक है, तो मैंने इन्हें कॉपी कर लिया। अब मैं फिर ब्राउजर पर चलता हूं, फिर हम इंपोर्ट प्रॉक्सी लिस्ट में जाते हैं और यहां पर हम इसे पेस्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारी सारी प्रॉक्सीज यहां पर ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अपने ब्राउजर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हमारा एक स्टेप पूरा हो चुका है, हमने एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लिए हैं, हमने उन्हें पिन कर दिए हैं और हमने अपने प्रॉक्सीज ऐड कर दिए। अब हम इसे कर देंगे बंद और वापस चलेंगे अपनी ब्लैक स्क्रीन पर। यहां पर आपने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, आपने कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस कर देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम 1 से लेकर 10,000 तक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितने प्रोफाइल्स को सपोर्ट करेगा, कितने प्रोफाइल्स आप एक साथ रन कर सकते हो। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप 40-50 प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए और पहले आप 10 को रन कीजिए, फिर आप फिर 5 रन कीजिए। अगर 15 ब्राउजर आपके प्रॉपर रन हो रहे हैं फिर आप और ऐड करने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, तो जहां तक आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है आपको पता लग जाएगा, फिर आप उतने प्रोफाइल सेट करके रन कीजिए, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 40 इंटर कर दी हमने वैल्यू और इंटर प्रेस कर दिया। हमारे प्रोफाइल क्रिएट हो चुके हैं और जब आपको ये मैसेज शो होता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आपने इंटर प्रेस कर देना और ये बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल वाले फोल्डर में। अब अगर इसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहां पर 40 प्रोफाइल्स क्रिएट हो गए हैं। अब एक तो मेथड क्या है कि आप इन्हें 1x1 रन करें और फिर यूज करें, बट मैं आपको इसका भी सोल्यूशन करके देता हूं कि हम अगर चाहें तो सारे के सारे प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रन होंगे एक क्लिक के साथ। तो मैं आपको 10 पर क्रिएट करके दिखा देता हूं, बाकी आप अगर 20 रन करना चाहते हैं तो 20 को सेट कर लीजिए, 30 रन करना चाहते हैं तो 30 को, अगर आपने 40 ही रन सारे के सारे रन करने हैं तो आप उस तरह से सेट कर लीजिए। तो मैंने प्रोफाइल फोल्डर में से 10 प्रोफाइल सेलेक्ट किए और इन्हें कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं यहां
डेस्कटॉप पर और इन्हें कर देता हूँ पेस्ट। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, वन बाई वन ये जो इनके प्रोफाइल और नंबर के बीच में गैप है यहाँ पर हमने एक हाइफन ऐड कर देना है, क्योंकि जो मैं जिस फाइल की हेल्प से इन्हें रन करना चाहता हूँ एक ही बार में, तो उसके लिए मेरे अगर गैप हो गए उनके अंदर तो ये रन नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे 10 के 10 प्रोफाइल मैंने रिनेम कर लिए। अब हम नोटपैड ओपन करेंगे। ओके, अब हम यहां पर कोड पेस्ट करेंगे। मैं आपको कोड दिखा देता हूं स्क्रीन पर, आप सिंपली ये टाइप कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी है बट मैं आपको दिखाने के लिए आपके सामने इसे दोबारा क्रिएट कर रहा हूं। तो हमने एट द रेट इको ऑफ, उसके बाद स्टार्ट, फिर स्पेस, फिर आपने प्रोफाइल नेम दे देना है, ठीक है, जो हमने रीनेम किए। फिर हम क्लिक करेंगे फाइल मेनू पर, फिर आप करेंगे स्टार्ट पर, फिर हम इसका नाम रख देंगे, जैसे मैंने रख दिया रन प्रोफाइल डॉट सीएमडी। यहां पर आपने इसको एक्सटेंशन साथ देनी ही देनी है। फिर आप क्लिक करेंगे सेव एज फाइल पर, यहां पर आप सिलेक्ट कीजिए ऑल फाइल्स, फिर आप क्लिक कीजिए सेव पर। ठीक है, तो एक हमारी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। चलेंगे डॉक्यूमेंट्स में, हमने इसे सेव करना था लोकेशन डेस्कटॉप पर, यहां से हम इसे कॉपी करके डेस्कटॉप पर ले आते हैं। ओके, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पर करेंगे डबल क्लिक, तो आप देखेंगे हमारे 10 के 10 प्रोफाइल ओपन हो जाएंगे। नहीं तो मैनुअली हमने अगर 20 प्रोफाइल ओपन करने हैं, 40 प्रोफाइल ओपन करने हैं, तो आपको डेली सेम मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर सिर्फ आपको एक बार मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 10 के 10 प्रोफाइल रन हो चुके हैं। तो मैं अभी क्या करता हूं, सिर्फ एक प्रोफाइल रख लेता हूं जहां पर मैं आपको सारा सेट करके दिखाऊंगा। अगर मैं 10 के 10 प्रोफाइल खोल के रखूंगा तो मेरा लैपटॉप भी थोड़ा लैग करेगा, तो इस वजह से हम सिर्फ एक प्रोफाइल रख लेते हैं। बाकी जो मैं अब स्टेप्स करूंगा वही सेम स्टेप्स आपने 10 के 10 ब्राउजर्स पर रिपीट करना है। फर्स्ट टाइम आप इन्हें एक एक करके ओपन कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं, इन्हें बंद कर दूं एक मिनट। फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आप फर्स्ट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, फिर सेकंड पर क्लिक कीजिए, फिर थर्ड पर, इस तरह से इन्हें सेट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने इस आइकन पर क्लिक करेंगे और ये जो हमारी एक्सटेंशन है इन सभी को हम यहां पर पिन कर लेंगे। अब जब हमने इन सबको रन कर लिया तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, आपने बेस्ट प्रॉक्सी स्विचर की जो हमारी एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करना है। फिर आपने यहां पर फर्स्ट जो हमें लोकेशन शो हो रही है उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम इसे कर लेते हैं चेक। अब हम यहां पर वेबसाइट ओपन करेंगे ipscore.com। अब यहां पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका स्कोर 100 out of 100 आता है तो आपका बिल्कुल ओके है। अगर यहां पर आपको इस तरह से डिफरेंट सिस्टम टाइम शो होगा तो आपने इसे रिजॉल्व करना है पहले। तो हम ये जो हमारी स्पूफ टाइम जोन वाली एक्सटेंशन है यहां पर जाएंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट टाइम जोन फ्रॉम आईपी पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो थोड़ा आपने वेट करना है 15-20 सेकेंड, आपको यहां पर बॉटम में मैसेज शो होगा। ओके, तो हमारा टाइम जोन स्पूफ हो चुका है। अब अगर हम इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं आईपी स्कोर वेबसाइट को, तो आप देख सकते हो हमारा स्कोर 100 out of 100 हो चुका है और ब्लैकलिस्ट में भी ये आईपी नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम आईपी है। तो इस तरह से आपने अपने सारे ब्राउजर्स को खोलना है और अपने आईपीस को कनेक्ट करते जाना है और आप यहाँ पर अपनी वीडियोस को प्ले कर देंगे। एक सेटिंग हमने और करनी है जो हमारी ये हिस्ट्री और कैश क्लीनर वाली एक्सटेंशन है, इसे भी हम सेट कर लेते हैं। ये हमें चाहिए ऑन स्टार्ट पर, ये हम जो हमारी मेन प्रोफाइल है वहीं पर सेट कर लेते हैं ताकि हमें सभी एक्सटेंशंस पर ना करनी पड़े बार बार। तो आप इंस्टॉल एक्सटेंशन हेयर पर जाएं, क्योंकि यहां पर जो आप सेटिंग्स करोगे वो आपके 40 प्रोफाइल्स पर इफेक्टिव होगी। तो आपने यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद एक तो आपके ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड होने चाहिए,
सेकंड यहाँ पर ऑन स्टार्ट होना चाहिए, आप इसे ड्रॉप डाउन कीजिए और अगर आपको यहाँ पर ऑन स्टार्ट मिल जाता है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। कई बार फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर नहीं शो होता तो आप क्या करेंगे, ये साइटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे बिल्कुल बॉटम में स्क्रोल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन शो होगा ऑटोमेटिक डाटा रिमूव। यहाँ पर आपने चूज कर लेना है ये वाला ऑप्शन क्लियर व्हेन क्रोम स्टार्ट्स। तो जब आपने यहाँ पर इसे सेट कर दिया तो ये आपका 10 की 10 एक्सटेंशन में, अगर आप 40 रन कर रहे हो तो सारी की सारी एक्सटेंशन में एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार दिखाया है कि हमने प्रॉक्सी पर गए, हम लोग प्रीमियम प्रॉक्सी सिलेक्ट की, उसके बाद हमने आईपी स्कोर रन किया। ठीक है, मेरे को आपको दोबारा दिखाने के लिए रिपीट करने पड़ रहे हैं सारे स्टेप्स। ओके, तो अब हमारा 100 out of 100 आ रहा है स्कोर। तो हर बार जब भी आप इसे रन करेंगे आपने आईपी स्कोर की हेल्प से इसे चेक करना ही करना है, ताकि आपकी आईपी लीकेज, आपका वॉच टाइम ड्रॉप ना हो। ठीक, तो हम यहाँ पर 10 के 10 प्रोफाइल्स को इकट्ठा रन कर लेंगे और सब पर आईपीस कनेक्ट करेंगे, बाकी कॉन्फ़िगरेशंस हमारी ओके हैं, आईपी स्कोर से चेक करेंगे और उसके बाद आप अपनी वीडियोस को प्ले करके छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग अपने वॉच टाइम को पूरा कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा, मैं आपको ब्लॉग दिखा भी देता हूँ एक बार ओपन करके। तभी मैं सारे प्रोफाइल नहीं ओपन कर रहा था, फिर कंप्यूटर थोड़ा लैग करने लग जाता है, मुझे इन्हें फिर बंद करना पड़ेगा। तो गेटवे solu.blogspot.com, तो यहाँ पर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उनके रिलेटेड जो मेरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो जो मेरे पास उनमें अवेलेबल होता है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड कर देता हूँ। तो आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को, प्रोफाइल जनरेटर को डाउनलोड कर सकते हो। एक्सटेंशन आपको क्रोम के वेब स्टोर से ही मिल जाएंगे क्योंकि वो फ्री है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। जो मेरे नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।